कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद राजनीतिक गलियारों में भी शांति का माहौल नहीं है। सभी पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। वहीं अब बिहार भी इसके घेरे में आ गया है। बिहार में अपराध के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने बिहार के कई जिलों में रेप की घटना को लेकर सीएम नीतीश को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, बिहार में नीतीश कुमार की सरपरस्ती में सत्ता संरक्षित अपराधी और बलात्कारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि दरभंगा में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंग रेप पुलिस ने FIR करने में 4 दिन और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने में और 4 दिन लगाए। भाई बोला, प्राइवेट पार्ट में थी चोट और सूजन। मुजफ्फरपुर में माँ बाप के सामने नाबालिग लड़की का अपहरण। सामूहिक दुष्कर्म करने के पश्चात हैवानों ने नाबालिग के ब्रेस्ट और प्राइवेट पार्ट को काटा, बाद में हत्या कर अर्धनग्न शव को पोखर में फेंका। मधुबन में 19 वर्षीय लड़की की घर में घुसकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। वैशाली में 27 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। बिहार में नीतीश कुमार की सरपरस्ती में सत्ता संरक्षित अपराधी और बलात्कारियों का मनोबल किस कदर बढ़ा हुआ है, ये उसकी 2 से 3 दिन की एक छोटी सी बानगी है। ये पूरा ट्वीट तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है। तेजस्वी यादव इन दिनों अपराध के मुद्दे पर काफी आक्रामक हैं। क्राइम बुलेटिन जारी कर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इससे बिहार की सियासत में खूब आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंच से इस मुद्दे पर इशारों इशारों में जवाब देते हुए साफ कहा कि बिहार में कानून का राज है। तो क्या मतलब है नीतीश कुमार के स्टेटमेंट का? क्या नीतीश कुमार अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं बिहार जैसे राज्य में, या कुछ और? आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।